नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 8T वर्सेस Samsung Galaxy S72 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus 8T में 6.33 इंच जबकि Galaxy S72 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो OnePlus 8T में 2.92 इंच जबकि Galaxy S72 में 3.05 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus 8T में 188 ग्राम जबकि Galaxy S72 में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि OnePlus 8T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus 8T में फ्लूइड AMOLED जबकि Galaxy S72 में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus 8T में 6.55 इंचेस जबकि Galaxy S72 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus 8T में 86.98% जबकि Galaxy S72 में 84.86% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus 8T में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy S72 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus 8T में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy S72 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus 8T में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy S72 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus 8T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy S72 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो OnePlus 8T में Adreno 650 जबकि Galaxy S72 में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus 8T में Qualcomm Snapdragon 865 और Galaxy S72 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है। बात करें RAM की तो OnePlus 8T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy S72 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो OnePlus 8T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy S72 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो OnePlus 8T में नहीं है जबकि Galaxy S72 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 8T में Android V10 Q जबकि Galaxy S72 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी OnePlus 8T में 4500 mAh जबकि Galaxy S72 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो OnePlus 8T में 2 कलर्स जबकि Galaxy S72 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus 8T में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें गैलेक्सी A72 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 8T में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A72 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus 8T आगे है, मेन कैमरा में Galaxy A72 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में OnePlus 8T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10T Pro है जो कि 34,930 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy S20 Fe है जो कि 37,990 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus 9 है जो कि 49,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है जो कि 41,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।